मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है पद्मा मैथमेटिक्स के डाउट सेशन में। तो अभी तक मैं कुछ डाउट बच्चों ने पूछा, तो उस डाउट को मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चों, ऐसी बात है कि मुझे थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, इसीलिए मैं आपके डाउट का जल्द जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिला, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला डाउट हमको ये मिला था, ये आपका एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपका कॉस ए बाय साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी बाय साइन सी साइन ए कॉस सी बाय साइन ए और साइन बी, इस तरह से दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इसमें आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम में साइन ए आता है और साइन बी आता है आपका, और यह साइन सी आता है। अब यहाँ साइन बी और सी हैं, साइन बी और साइन सी हैं, तो साइन बी और साइन सी कैंसिल, बच गया साइन ए। साइन ए को मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए से, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाता है। अब ये इसके डिनोमिनेटर में देखिए, इसके हर में देखिए साइन सी और साइन ए है, तो साइन सी और साइन ए को हटा दीजिए, तो बच गया क्या, साइन बी। तो साइन बी को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आपका साइन बी इंटू कॉस बी हो जाता है। और फिर प्लस उसी तरह से साइन ए और साइन बी यहाँ हटा, और साइन सी बच गया आपका, तो साइन सी से कॉस सी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन सी इंटू कॉस सी हो जाता है। ये एलएचएस में इतना ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2, और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, साइन ए इंटू कॉस ए को प्लस साइन बी इंटू कॉस बी को प्लस साइन सी इंटू कॉस सी, और बाय यहाँ पर आपका नीचे में क्या है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने क्या अंतर किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से भाग दे दिया है, 2 से गुणा कर दिया है, तो इसके रिजल्ट में किसी तरह का अंतर नहीं होता है। अब जब अंतर नहीं होता है, 1/2 को हम रहने देते हैं और 2 इंटू इतना कर देते हैं, क्या कर दिया, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 इंटू साइन बी इंटू कॉस बी हो गया, अब प्लस 2 इंटू साइन सी इंटू कॉस सी हो गया। अब बाय कितना हो गया, यहाँ आपका साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो जाता है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, हम जान रहे हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 ए होता है, और 2 साइन बी इंटू कॉस बी साइन 2 बी होता है, उसके बाद 2 साइन सी इंटू कॉस सी साइन 2 सी होता है। इसके बाद इसके नीचे है क्या, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब इसमें देखा जाए कि यह जो आपका जो पार्ट हमने नहीं लिखा, उसको ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इसके हर को हमने लिखा, लेकिन ये चीज़ जो है, इसको आप यहाँ प्रूफ करके दिखा सकते हैं, साइन 2a साइन 2b साइन 2c क्या होता है। तो आप एग्जाम्पल का अपने बुक को उल्टाइए और एग्जाम्पल का सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यही क्वेश्चन है आपका कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है। इसको तो आप लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यदि आप चाहें तो यहाँ पर जो है, नाउ से शुरू होइए, नाउ साइन 2a, इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दीजिए, साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू क्या होता है भाई, 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी होता है। इसको चाहे तो आप यहाँ प्रूफ करके दिखा दीजिए, प्रूफ करके दिखा दीजिए, ये तो प्रूफ आप लोग खुद कर ही सकते हैं। अब चूंकि इसका जो वैल्यू है कितना हो गया आपका,
इतना हो गया, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट 1/2 इंटू 4 sin ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लिख सकते हैं, और इसके डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी है आपका, ये सारे देखिए कट जाएंगे, आपका 4/2 मिलता है जो कि 2 हो जाएगा, यही हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने कहा कि 9, 10, 11 और 12 सर ये सारे क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, तो हमें जहाँ तक याद है कि 12 नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, और 9, 10 और 11 ये तीन प्रॉब्लम जो हैं इसको जहाँ देख रहे हैं स्क्वायर का है, ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाले साइन या कोसाइन को हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करके इस तरह से उस फॉर्मूले में व्यक्त करते हैं जिसमें स्क्वायर नहीं आवे। तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 cos 2a/2 लिख सकते हैं, याद कीजिए ये सब फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। दूसरा देखिए, याद कीजिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2a/2 लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, टेन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2a/1 cos 2a लिख सकते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए यह कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए बाय टू अगर हो जाता है तो यह 1 cos a होता है, अब बाय टू लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए बाय टू रहे तो इसको 1 cos a/2 लिखते हैं। तो यही सब फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में, तीन ही तरह का प्रॉब्लम दिया गया है। हालांकि यह एग्जांपल में इस तरह का प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन आप लोग चूँकि डिमांड किए हुए हैं इसीलिए मैं एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इसको इतना प्रूव करना है, ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज का है, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ट्रेंगल में ये सब चीज़, ये जो एंगल होते हैं ये किसके एंगल होते हैं, ट्रेंगल के एंगल होते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2a/2 लिख सकते हैं, 1 cos 2b/2 लिख सकते हैं इसके लिए, फिर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2c/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि 1/2 इससे भी मिलेगा हमको, इससे भी 1/2 मिलेगा और इससे भी हमारा 1/2 मिलेगा, 3 बार 1/2, और प्लस 1/2 अगर यहाँ पर 1/2 ये आपको मिलेगा cos 2a/2, इससे मिलेगा cos 2b/2 और इससे मिलेगा cos 2c/2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 + 1/2 + 1/2 ये देखिए 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 को मान लेते हैं तो आपका cos 2a + cos 2b + cos 2c मिलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान के यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब इसमें क्या करेंगे कि cos 2a + cos 2b + cos 2c का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसा कि इसका जो वैल्यू होता है, अगर आप एग्जांपल नंबर देख सकते हैं, एग्जांपल 3 बनाए होंगे, देखिए 3 का तो सॉल्यूशन हम संभवतः किए होंगे, आप देख सकते हैं, देखते हैं cos 2a cos 2b + cos 2c है, तो क्या लिखते हैं, -1 - 4 cos a × cos b × cos c इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको आप जो है इस पूरे चीज को आपको यहाँ पे लिखना होगा, समझ गए ना, और चूँकि हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको लिख के दिखाना होगा कि इतना बराबर जो होता है
कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, ये तो आप इसकी सहायता से देख ही सकते हैं, ये वीडियो में हमने बना भी दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी और कॉस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब चूंकि इसका जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, इतना हुआ, इसके वैल्यू को इक्वेशन वन में रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन लिखेंगे, ये आपका थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू इंटू माइनस वन माइनस फोर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाएगा। अब यह थ्री बाय टू हुआ, अब प्लस ये देखिए माइनस वन है तो माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस फोर बाय टू हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये थ्री बाय टू में वन बाय टू माइनस करेंगे तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, टू हो गया, थ्री माइनस वन हो गया, यहाँ टू टू जब फोर टू बार में कटा तो माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाता है। अब थ्री बाय टू, थ्री माइनस वन बाय टू तो यह वन हो जाएगा, वन माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, है ना। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता के हमने छोड़ दिया, हमको लगा कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। इसको अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से देखें तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वीडियो में पहले ही सॉल्व किया गया है, तो वो आपको निश्चित रूप से मदद करेगा। अब जैसे देखिए कि इसके बाद हम उठाते हैं 10 नंबर का प्रॉब्लम, 10 नंबर का प्रॉब्लम और 9 नंबर का प्रॉब्लम संभवतः एक ही है बच्चों। नाइन देखिए 10 नंबर में भी क्या है आपका, साइन स्क्वायर ए है, अब माइनस साइन स्क्वायर बी है, अब फिर प्लस साइन स्क्वायर सी है। इसको क्या प्रूफ करना है, टू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, वन माइनस कॉस टू ए हो जाएगा, यहाँ बाय टू हो जाएगा, अब फिर देखिए माइनस वन माइनस कॉस टू बी बाय टू हो जाएगा, अब फिर उसके बाद प्लस वन माइनस कॉस टू सी बाय टू हो जाएगा। सबके साथ वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू है, तो ये वन बाय टू तो प्लस में आया, यहाँ जो वन बाय टू आएगा आपका ये चूंकि माइनस है तो यह माइनस में आता है, और यहाँ का वन बाय टू जो आएगा यह आपका प्लस में आएगा, है ना। और याद कीजिए अगर a प्लस बी बाय सी लिखा हुआ है तो इसको a बाय सी भी लिख सकते हैं, b बाय सी भी लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों तरफ जो है हम दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर c दे सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो c बाय a प्लस बी लिखा रहे तो बच्चों c बाय a प्लस सी बाय बी जो है यह कभी नहीं लिखें, ऐसा नहीं होता है, ये ब्लंडर हो जाएगा, यह जो है आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है, बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं। तो सिर्फ इस तरह से आप कर सकते हैं, वही कंडीशन यहाँ पे किए हैं, वन बाय टू भी लिख सकते हैं, कॉस टू ए बाय टू भी लिख सकते हैं, वन बाय टू लिख सकते हैं, माइनस कॉस टू बी बाय टू लिख सकते हैं। तो सारे न्यूमेरिकल वाले जो वैल्यू थे इसको एक तरफ हमने किया, अब फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस हाफ है तो वन बाय टू अगर कॉमन लेंगे ना आप तो यहाँ पर कॉस टू ए आएगा, अब फिर माइनस कॉस टू बी आएगा, अब फिर यहाँ सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा यह, अब फिर यहाँ पर जो है ये आपका माइनस में आ जाएगा, कॉस टू सी हो जाएगा। अब चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन लिए हैं, माफ़ करेंगे यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस में हो जाएगा,
ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हमको क्या मिला, एक हाफ हाफ तो कट गया, 1/2 मिला हमको, -1/2। यहाँ cos 2a, अब -cos 2b, अब फिर +cos 2c मिला। तो अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप, cos c - cos d का वैल्यू निकाल के, और उसके बाद cos c को जो है हम ब्रेक करेंगे, है ना, इसके फॉर्मूला में। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2c है तो 2cos²c - 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, या 1 - 2sin²c का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। इस तरह का जो प्रॉब्लम है आपका, पीछे जो है टाइप 1 में बनाया गया है, यानी कि पहले स्टाइल में ये सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से आपका 11 नंबर भी है बच्चों, 11 नंबर का भी जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। यह sin²a/2 है प्लस sin²b/2 है, और उसके बाद प्लस sin²c/2 है। और इसको क्या प्रूव करना है, 1 - 2sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2 प्रूव करना है। क्या लिखेंगे इसको, 1 - cos a/2 हो जाएगा, 1 - cos 2 sorry b/2 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, 1 - cos c/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। -1/2 को मान लेंगे तो यहाँ पर cos a + cos b अब +cos c आ जाएगा। देखिए तीनों यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हम। यहाँ जो है बच्चे, यहीं पर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए cos a + cos b + cos c मैं दिखाता हूँ, कहीं अगर इस तरह का प्रूफ होगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। देखिए cos a + cos b + cos c, को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन तो आप बना लिए होंगे, ये 5 नंबर का प्रॉब्लम तो आप बनाए होंगे, cos a + cos b + cos c। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 + 4sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब यहाँ पे देखिए cos a + cos b + cos c ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान के स्टॉप कीजिए, और तब जो है इसका वैल्यू निकालिए, cos a + cos b + cos c का वैल्यू निकालिए, जो कि आपका होता है 1 + 4sin a/2 (sin b/2) (sin c/2) होता है। अब इसके वैल्यू को जो है आप डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, यह 3/2। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, तो 3/2 - 1/2 (1 + 4sin a/2 (sin b/2) (sin c/2)। तो यह आपका 3/2 - 1/2 - 1/4 हो जाएगा। ये फिर उसके बाद sin a/2 (sin b/2) (sin c/2) ये आता है। तो 1/3/2 में -1/2 कीजिए तो यह आपको 1 मिलेगा। और यहाँ दो बार में कट गया आपका, तो -2sin a/2 (sin b/2) (sin c/2). देखिए यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यह जो आपका लास्ट नंबर का प्रॉब्लम है ना, बड़ी आसान है बच्चों। ये जो 12 नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें आपको tan 2a + tan 2b + tan 2c को क्या प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है आपको tan 2a (tan 2b) (tan 2c). अब देखिए कि ये सारा तो किसी ट्रेंगल में है, इन एनी ट्रेंगल, किसी भी ट्रेंगल में a + b + c जो होता है यह 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री।
अगर टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी हमको टू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसके बाद 2a + 2b को हम लेफ्ट साइड रहने देते हैं और 360 - 2c कर देते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ टेन हम लोग ले लेते हैं, 10 2a + 2b इक्वल टू 10 360 - 2c। अगर आपके मन में यह ख्याल आता है कि सर हम टेन क्यों लेंगे, तो हमारा टारगेट जो है सारा टेन में है, इसीलिए हमने टेन में ले लिया। और हमने जो है वही चीज़ का इस्तेमाल किया जो चीज़ इसमें दिया गया था। देखिए a + b + c = 180 डिग्री दिया गया था ना, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल किया, कोई बाहर से चीज़ नहीं लाए, उसी चीज़ को हम इस तरह से लिख के आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। और डायरेक्टली जो है यहाँ पर LHS और RHS दोनों को एक ही साथ प्रूव करके दिखा दिए हम। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 10a + b 10 2a + 10 2b। अब बाय क्या लिखेंगे, 1 - 10 2a * 10 2b लिखेंगे। और 10 360 - 2c तो 10 - 10 क्या हो जाता है, 2c हो जाता है, -10 2c हो जाता है। यह तो आपको पहले ही बता दिया जा चुका है माइनस क्यों होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे वन है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 2a + 10 2b = -10 2c रहा, और इसके साथ आ गया 1 - 10 2a * 10 2b आ गया बच्चों। अब इसको ही सॉल्व करते हैं, -10 2c हो गया। अब माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया, 10 2a * 10 2b * 10 2c ये हो जाता है। अब हो गया हमारा रिजल्ट। देखिए इस -10 2c को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 10 2a + 10 2b + 10 2c = 10 2a * 10 2b * 10 2c। बस यही चीज़ हम लोग को प्रूव्ड कर देना था। लास्ट में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि साइन जो होता है 2n π + θ = sin θ लिखते हैं, है ना। यहाँ तक कि cos 2n π + θ रहे तो इसको cos θ लिखते हैं, लेकिन टेन के साथ अलग है। टेन के साथ क्या है, n π + θ सिर्फ आ जाए तो इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि टेन जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन एंड कोसाइन जो होता है, इसका पीरियड जो होता है, यह 2π होता है। तो पीरियड 2π कहने के बाद 360 डिग्री यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ही इसका वैल्यू जो है रिपीट होना प्रारंभ होता है ना, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ही। अब जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए इसका 2π ही पीरियड क्यों होता है, 2π का ही प्रोडक्ट क्यों होता है। ये देखिए 2π है इसके साथ तब n है, 2π है यहाँ भी तब इसके साथ n है, यहाँ सिर्फ पाए है। चूंकि साइन जो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये साइन के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। किसके बारे में सोच रहे हैं, साइन के बारे में। इसमें भी पॉजिटिव होता है, यह 0 से 90 डिग्री यानी कि 0 से लेकर +1 तक जाता है, +1 से लेकर फिर 0 पाया, 0 से लेकर फिर यहाँ पर -1 पे आया, और फिर उसके बाद जो है यह 0 पे आया। तो देखिए इसका जो रोटेशन शुरू होता है स्टार्ट, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू प्राप्त होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसा वैल्यू सेकेंड में नहीं होता है। सेकेंड में जो भी वैल्यू प्राप्त होता है सेम सेकेंड क्वाड्रेंट का रिपीटिशन थर्ड में नहीं होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू हम प्राप्त करते हैं वो फोर्थ में रिपीटिशन नहीं होता है। रिपीट कहाँ से शुरू होता है, ये 1 0 से ही शुरू होता है।
फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ इसका, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है इसका, ये अब जो है रिपीट यहीं से शुरू करता है। एक बार प्लस आया, इसमें सब प्लस आया, इसमें माइनस आया, इसमें माइनस आया। तो ये जब भी रिपीट होता है, साइन कहाँ से रिपीट होता है भाई, एक कंप्लीट होने के बाद ही रिपीटेशन शुरू होता है। लेकिन कोसाइन के साथ भी वही कंडीशन होता है। कोसाइन देखिए, इसमें सारा वैल्यू प्लस होता है, इसमें जो वैल्यू होता है आपका कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है, और फिर इसमें पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेशन ऐसे भी देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये जो हमको मिल रहा है ये इसी को कहते हैं रिपीटेशन। यानी कि एक कंप्लीट वैल्यू का चक्र जब बनता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस पे जाके ख़त्म होता है। पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस। आ इसमें जो वैल्यू का जो चक्र बनता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, और फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से बनता है। तो देखिए रिपीट इतना सा हो रहा है ना, इतना सा रिपीट हो रहा है, इसमें इस तरह का रिपीट हो रहा है। लेकिन टेन के साथ देखिए, टेन में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर आपका माइनस होता है, फिर देखिए प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है ना। तो यानी कि प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस फिर प्लस माइनस, देख रहे हैं ना। तो एक प्लस एक माइनस ले लिए तो कितना ट्रेवल किया, हाफ रिवॉल्यूशन ट्रेवल किया। फिर एक प्लस एक माइनस किए तो हाफ रिवॉल्यूशन ट्रेवल किया। तो यहाँ पर जो है इसका पीरियड जो होता है 180 ही रह जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो जब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें देखिए वैल्यू को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। अब जब उस वैल्यू को आप सावधानी पूर्वक देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तब आपको समझ में और भी ठीक तरह से आ जाएगा कि क्यों 180 होता है, क्यों 360 होता है, और यहाँ पर क्यों 360 ही होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरह से डाउट अपना भेजते रहें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को जितना जल्दी हो सके समाप्त करूँ। धन्यवाद।